से पैरालाइज था, खड़े नहीं हो पा रहे थे। जैसे बिशप जी ने प्रार्थना की, एकदम से मेरे मदर खड़े हो गए। प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, क्या क्या होता था इन्हें? मतलब चला नहीं जाता था, इनसे खड़े नहीं हो पाते थे प्रॉपर। अच्छा। तो सीढ़ियों से ही बहुत मुश्किल से सिस्टर साथ में लेके आए हमें दोनों को। तो आज जैसे बिशप जी ने प्रेयर की पैरालाइज के रोगियों के लिए जिनको लकवा है तो वो खड़े हुए, तो जैसे आपने प्रभु पास्टर जी ने प्रवेशी की तो मदर मेरे एकदम से खड़े हुए और अब बिल्कुल चल के आए हैं वहां से। वहां से चल के इधर आए हैं। सो प्रभु यीशु जी ने इन्हें चंगा किया है। कितने समय से पास्टर जी? 2 साल से बहुत ही प्रॉब्लम में थे। 2 साल से ये बहुत प्रॉब्लम थे, अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहे थे, और आज जैसे प्रार्थना निकली हुई है पर विश्व मसीह जी ने चंगा किया है। उस बहन की, उस माता की आंखों को देखिए, उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं क्योंकि पर यीशु मसीह जी ने आज उन्हें चंगा किया है। हालेलुया। आप चल कर देखिए, आप थोड़ा चल कर देखिए, चलिए चलाइए इनको, चलाइएगा आप चल कर देखिएगा। रब अल्लाह खबा बारी था ना खबर ओ सब अली था बा ना खा इन दी बेनी नी खबर अल्लाह बा। आप आगे वाले साइड पे हो जाइए, इनको पीछे करो, आगे वाले लेडीज को पीछे करो। हो रहा सब ना ना मा। हां, अब चलिए, आज पर यीशु जी ने आपको चंगा किया है, चल कर तोड़ कर देखिए। सब लोग ताली बजाकर पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद पर विश्व मसीह जी, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। 2 सालों से इन्हें पैरालाइज था और ये ऐसे अच्छे से उठ नहीं सकते थे, खड़ नहीं सकते थे, और आज जैसे प्रार्थना हुई पर विश्व जी ने चंगा किया। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। जीवते पर विश्व जी, इस बहन को चंगा करने के लिए धन्यवाद करते हैं। पांव से लेकर सिर तक इन्हें शू लेने के लिए धन्यवाद करते हैं। सारी अंधकार की ताकतों, शैतान की ताकतों, हमेशा के लिए सारी बीमारियों, इन्हें शाड़ा निकलो इसी वक्त पर विश्व के नाम से बाल आता है, चंगाई आती है। धन्यवाद पर विश्व मसीह जी, धन्यवाद आपने चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब भाई बहनों की जय मसीह की, पाटा जी के भी जय मसीह की। अभी अभी देखा हो मेरे सामने दम क्रूस सामने ठहरा है, बिल्कुल बिल्कुल सामने ठहरा है क्रूस प्रभु जी के। दूसरा गवाह ये है कि मेरे आंख से बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देता, बिल्कुल धुंधला सा दिखाई देता। अभी अभी जैसे आप प्रार्थना किए हैं बिल्कुल आंख से मैं साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाई कह रहे हैं प्रभु यीशु जी ने इन्हें दर्शन भी दिए और आंखों से साफ दिखाई नहीं देता था, धुंधला सा, बिल्कुल धुंधला सा दिखते थे, धुंधला दिखाई देता था, अब बिल्कुल साफ देख रहा हूँ प्रभु जी के दया से। और जैसे आज अभी प्रार्थना हुई अभी है, अभी अभी, अभी अभी बिल्कुल, तो उसके बाद साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं जी दोनों आंख से, बिल्कुल साफ। जैसे आप दूर से कितनी दूर तक आपको साफ दिखाई देता था? बहुत कम दूर तक देखते थे, अब तो बहुत दूर तक देख रहा हूँ मैं। अब सर आप दूर तक आपको सब साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिख रहे हैं जी सामने, बिल्कुल। हालेलुया, हालेलुया। देखिए इस भाई की और देखिए, जिसे साफ दिखाई नहीं देता था और दूर से धुंधला दिखाई देता था, आप जैसे ही प्रार्थना हुई पर यीशु जी ने इनकी आंखों को चंगा किया और आज इन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए पर यीशु मसीह का धन्यवाद करें, ताली बजाकर पर यीशु का धन्यवाद करें। जय मसीह की। सबको भाई बहनों को, पास्टर जी को भी, मेरी गवाही है, मेरे आंखों में वीकनेस थी, अब मुझे साफ दिख रहा है। जय मसीह की। ओके, सो आपकी आंखों में क्या था? रुकिए, आपकी आंखों का क्या था? वीकनेस थी, धुंधलापन दिख रहा था, भारापन जैसे बड़ी का अक्षर देखता वो दिखते नहीं थे, मोबाइल चलाता वो नहीं दिखते थे। तो अभी अभी जैसे प्रार्थना हुई अब क्या हुआ? अब आंखों में रोशनी सी आई है, अभी अभी आंखों में रोशनी सी आ गई है, आपको साफ दिखाई दे रहा है, वो भारापन दूर हो गया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। अभी अभी इनकी आंखों को प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। सब लोग धन्यवाद करें। अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो इसका मतलब आप आनंद करेंगे, अगर आनंद करते हैं तो आप ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे कि प्रभु यीशु जी ने इनकी आंखों को अभी अभी चंगा किया है। सारेनु जय मसीह। और मेरी गवाही ये है, सज्जी लात में ना अंगूठे में दर्द होता था, लात भी भारी भारी रहती थी, वजन जैसे वजन दिया हुआ है। तो अभी प्रार्थना हुई, पास्टर जी ने कहा अभी पांव से लेकर सिर तक कोई दर्द है चली जाए, तो मैं प्रभु से जो दर्द थी वो हल्कापन महसूस कर रहा हूँ, प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, सो इसके पांव में, पैर में, अंगूठे पे दर्द था, कौन सी? धनी में? सज्जे पैर में, सज्जे पैर। और परमेश्वर जी ने
चंगा किया हूं दर्द नहीं है दर्द नहीं है जी पर यीशु मसीह जी ने हुने हुने चंगा किया पंजाबी विच आप परमेश्वर जी का धन्यवाद करते हैं हालेलुया कारण जय मसीह जी जो पास्टर जी वचन बोल रहे थे और वचन बोल रहे थे चेलों के बारे और सुखिया आंडिया के बारे वचन बोल रहे थे उदो मेरे उपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ रहा और मैं मतलब कि अभिषेक के नाल पार गया और अपने आप के अन्य भाषा के नाल पूरे प्रभु यीशु मसीह के नाल गल्लां हालेलुया सर जब हम लोग वचन को ये भाई सुन रहा था उसी समय पवित्र आत्मा पर उतरा और ये पवित्र आत्मा से भर गए पवित्र आत्मा का अभिषेक इन पर उतरा इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं हालेलुया सभी को जय मसीह की मेरी गवाही है कि मेरे 6-7 सालों से पहले मैं गिर गई थी तो मेरे हाथ में दर्द रहता था अभी पास्टर जी ने प्रार्थना की ना तो मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और जो मुझे दूर से धुंधला दिखाई देता था वो भी मुझे दिखाई देने लगा मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ हालेलुया सो आपके आपके हाथ पे चोट लगी थी जी मैं गिर गई थी पास्टर जी तो कितना टाइम हो गया 6-7 साल हो गए छह सात साल हो गए जी पास्टर जी तो 6-7 सालों से दर्द होती थी जी पास्टर जी मैं जैसे कोई भार उठाती थी साथ से तो मेरे हाथ मतलब तो आज इसको हाथ को ऐसे हिला लू कर देखा आपने यहाँ पे हाँ जी आज मैं बिल्कुल कंफर्टेबल फील कर रही हूँ पास्टर जी अब दर्द नहीं है नो और आंखों से क्या दूर से दिखाई नहीं देता था पास्टर जी धुंधला दिखाई देता था यानी कि मैं देख भी नहीं सकती थी कि कौन है दूर से धुंधला दिखाई देता था और आपको पता नहीं चलता कौन है जी पास्टर और अभी जब प्रार्थना हुई तो अब मुझे साफ दिखाई दे रहा अब साफ दिखाई दे रहा है जी, पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और आंखों का धुंधलापन भी पर यीशु मसीह जी ने दूर किया और जो 6-7 सालों से जो चोट लगी थी उसके कारण जो दर्द था उसको भी चंगा किया पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सब लोग पर यीशु मसीह का धन्यवाद करें हालेलुया जी जब मैं सुबह आई तो ये मेरी आंख पे रसोली बहुत बड़ी थी और अब जब पास्टर जी ने प्रार्थना की तो बिल्कुल कम हो चुकी है मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ हालेलुया सो ये बहन बता रही है इनकी यहाँ आंख पर आंख के ऊपर यहाँ पर रसोली कहें गांठ कहें है ना रसोली कहते हैं हाँ रसोली जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने बोला रसोली ऑपरेशन करवा के इसको निकलवा लो तो अब बिल्कुल अभी जब जैसे प्रार्थना की थी तो आपने हाथ रखा हाँ हाथ रखा तो अब पहले से कम होगी हाँ बिल्कुल कम हो चुकी है बिल्कुल कम हो चुकी है पहले से इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह इस पैर के आंख के ऊपर रसौली थी डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना पड़ेगा अब जैसे इन्होंने हाथ रखा प्रार्थना में कर रहा था और वो बिल्कुल छोटी हो चुकी है इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं पास्टर जी को जय मसीह की सब बहन भाइयों को जय मसीह की मेरे सर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द होता था और पीछे पसीने आते थे मतलब जैसे आईसी भी चल रही है तो पसीना की ऐसे होती थी जैसे कोई नलका चल रहा है धार चलती थी लेकिन अब नहीं है गया और मेरे पेट में भी दर्द बहुत ज़्यादा था और रात को मेरी बखियों में दर्द हो रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कोई गांठ फंस रही है तो अब प्रार्थना करी पास्टर जी ने तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे कोई रुई होगी हो पेट बिल्कुल मुलायम होगा मेरे को पता नहीं क्या था क्या नहीं है पहले कष्टा था मेरा पेट अब बिल्कुल सही है सो बहन के पेट में समस्या थी पेट में बीमारी थी इन्हें लगता था कि पेट में गांठ है और इनके दर्द भी होती थी चंगा किया और अभी जैसे ही प्रार्थना हुई और इनका पेट नॉर्मल हो गया है और दर्द भी हट गई है पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं सब लोग धन्यवाद करें पर यीशु मसीह का हालेलुया पास्टर जी नु जय मसीह दी सारेयां नु जय मसीह दी मेरे पेट से एक छोटी जी गंढ सीगी जो हूँ पास्टर जी ने प्रार्थना की मैं उस गंढ ते हाथ रखा सी तो वह गंढ गैब हो गई रात के समय भी जो पास्टर जी ने प्रार्थना की तो मेरिया अखा दे एक नंबर का चश्मा लग्या सी तो हूँ मैं बिना चश्मे तो बाइबल पढ़ी सुबह भी पढ़ी प्रभु जी का धन्यवाद पास्टर जी का धन्यवाद स्टाफ नर्स हैं हाँ जी स्टाफ नर्स हैं हाँ जी हाँ तो ये देखिए ये बहन स्टाफ नर्स है और रात को शनिवार की लाइव जाओ रात को प्रार्थना सुन रहे थे लाइव जो चंगाई की प्रार्थना थी तुरंत चंगाई की प्रार्थना थी हाँ जी। तो आप पहले चश्मा लगाकर पढ़ते थे एक नंबर का चश्मा था हाँ जी। और फिर रात प्रार्थना आपने जब सुनी तो प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया हाँ जी, सुबह आपने चश्मा बाइबल पढ़ी बिना चश्मे के बाइबल को पढ़ी प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं और अभी अभी जैसे अभी प्रार्थना हो रही थी तो बहन कह रही है कि इनके 2012 से गांठ थी छोटी सी 2012 से इतने साल पुरानी लगभग 10 साल हो गए हैं 2012 से प्राणी गांठ थी जो स्टाफ नर्स हैं और गांठ थी
और अभी जैसे इन्होंने हाथ रखा तो अब जैसे आप हाथ रखा तो वहां पर आपको अभी नहीं है क्या? नहीं सर। तो अभी वो गांठ नहीं है, किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। खुशी से आनंद से आप नाचें, आप ताली बजाएं, परमेश्वर की जय जयकार करें, क्योंकि परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। मेरे दोनों लातों में दर्द था और जैसे पास्टर जी ने प्रार्थना की और मेरे दर्द अब बिल्कुल सही है और मुझे कम दिखाई दे रहा था और अब मुझे तेज सा दिखाई दे रहा है। सुबह मेरे यहाँ पे चोट लगी थी दीवार की तो हाथ नहीं लग रहा था, अब बिल्कुल सही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। सो पहले सुबह आपको कम दिखाई दे रहा था, आज सुबह कम दिखाई दे रहा था और अभी जैसे प्रार्थना हुई तो अब तेज दिखाई दे रहा है। तेज दिखाई दे रहा है। हाँ जी। अब साफ दिखाई दे रहा है। सो प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और जो आपके दर्द थी वो दर्द भी ठीक है। आप थोड़ा सा ऐसे हिलाकर देखो ना, है कहीं दर्द? नहीं है। सो प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। पास्टर जी जय मसीह जी। आज जो संगत च बैठे सा उत्थे मेरे दर्द बहुत हो जाता सी लत च, ते जो प्रार्थना करे ठीक हो गए। सो इस बहन के टांग में दर्द था और जैसे ही हम लोगों ने प्रार्थना की पर विश्व मसीह जी ने के दर्द से इन्हें चंगा किया, इसलिए पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। सारे भैन भरावान जय मसीह जी। मैं जब चर्च में आके कुर्सी पर बैठी तो मेरे यहाँ पे दर्द हो रहा था, तो फिर मैं जब खड़ी होकर प्रेयर करी ना, जब बाद में दर्द ठीक होया, बिल्कुल ठीक है बहुत सालों से। सारा जय मसीह प्रभु का धन्यवाद। कब से दर्द होता था? दर्द यहाँ से होता। ओके। सो प्रभु यीशु मसीह जी ने इनके दर्द को आज चंगा किया। जब सुबह आए थे उस समय भी इनके दर्द हो रहा था, आज जैसे ही प्रार्थना हुई प्रभु यीशु मसीह जी ने इन्हें चंगा किया। बहन को प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सब नु जय मसीह जी। मेरे हत्था पैरा च डेढ़ साल तो बहुत ज्यादा दर्द रहिंदा सी, मैं दवाइयां भी बहुत खाधी है। आज पास्टर जी ने प्रार्थना की मैं बिल्कुल चंगी हो गई। डेढ़ साल से दर्द होता था हाथों पाँव में। हाँ जी। अब जैसे प्रार्थना हुई अब ठीक है, चंगा दर्द निकल गया। हाँ जी। आप बिल्कुल चंगे हो। हाँ जी। पर भी यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे पैरों में और हाथों में बहुत दर्द रहता था, एक बार करंट लगा था उसके बाद सुन्नापन महसूस होता था, आज मेरे हाथ और पैर एकदम चंगे हैं। इस मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, करती आपको हूं। आपको बिजली का करंट लगा था? हाँ जी। उसके बाद से क्या था? हाथ सुन्नापन? हाँ, पैर इतने इतने हाथ और इतने पैर सुन्नापन रहते थे। सुन्नापन रहता था। हाँ जी। और फिर दर्द होती थी कि नहीं होती थी? दर्द होती थी, सुन्नापन रहता, जैसे है नहीं, भारी भारी लगता था। भारी लगता है, जैसे हाथ साथ में नहीं है। हाँ जी। और ये कब से था? दो चार साल से। दो चार साल से। अब क्या हुआ? अब एकदम चंगी है, मैं आराधना में पूरे हाथ ऊंचे करके कर सकती हूँ। हालेलुया। सो आज अभी अभी जब प्रार्थना हुई पर भी यीशु मसीह जी ने चंगा किया, पर भी यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जय मसीह पास्टर जी। मैं ना कई दिन हो गए थे सिर धोती तो मेरे ये साथ में दर्द होता, तो यहाँ भी होता था दर्द। अब पास्टर जी ने प्रार्थना की तो अब ये दर्द भी नहीं है, साथ में भी दर्द नहीं है, सिर में यहाँ दर्द होता था और यहाँ होता था, अब नहीं है। सो इस बहन के सिर में दर्द होता था, यहाँ गर्दन में दर्द होता था, छाती पे दर्द होता था, हाथ पे दर्द होता था, दिल में होता था, यहाँ सिर धोती जब ही साथ में दर्द होने लग जाता था और यहाँ हो जाता। अब हाथ हिला के देखो। हाँ जी, अब नहीं है बिल्कुल भी। अब दर्द नहीं है, सिर में भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। देखिए अभी अभी पर विश्व मसीह जी ने इन्हें चंगा किया है, इसलिए पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पर विश्व मसीह, अद्भुत चमत्कार करने वाला पर विश्व मसीह का धन्यवाद। सारा नु जय मसीह की। और मेरे कर में दर्द सा दो महीने हो गए है, तो अब बिल्कुल ठीक है। प्रार्थना की पर पास्टर जी ने प्रार्थना की, अब कमर का दर्द मेरा खत्म हो गया। कमर के कमर में दर्द था? हाँ, दो महीने हो गए थे। दो महीने से कमर में दर्द था। हाँ, अभी जब प्रार्थना हुई अभी ठीक, अभी प्रभु ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। एक गवाही और, मेरे आंखों में धुंधला दिखता था मेरे को,
अभी अभी प्रार्थना हुई, मेरे को बिल्कुल स्वाफ दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पास्टर का भी धन्यवाद करती हूँ। आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा है। गवाही मेरे कानों में भी थोड़ी सी सुनाई कम देती थी, और वो अभी अभी मैं बिल्कुल चंगाई पाई है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इस बहन को, पास्टर का भी धन्यवाद करती, इसके कानों से कम सुनाई देता था, कानों से कम सुनाई देता था, अब कानों साफ सुनाई दे रहा है, आंखों से कम दिखाई देता था, धुंधला दिखाई देता था, कम बिल्कुल साफ दिख रहा है, अब साफ दिख रहा है। अभी अभी प्रार्थना हुई, जब अभी अभी चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा इतने दर्द सीगा वक्खी दे विच, अज नौ दिन हो गया, ते हुणे हुणे पास्टर जी ने कहा सी मैं रिसीव किया, मैं चंगी हो गई। इनके एक साइड पर यहाँ पर पेन थी, दर्द था इनके एक साइड पर। अभी अभी जैसे प्रार्थना हुई, इन्होंने ग्रहण की प्रार्थना, और अभी अभी प्रभु यीशु जी ने इन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सभी को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह। मेरे मुंह के अंदर बचपन से बहुत बड़े बड़े छाले होते थे, और मैंने बहुत सारी दवाइयाँ खाई, फिर भी नहीं ठीक हो, और मुझे अब परमेश्वर ने चंगाई दी, मैं धन्यवाद करती हूँ। इनके मुंह में गले में छाले होते थे, बहुत सी दवाई लेते रहे, लेकिन आज प्रार्थना अभी अभी हुई और अभी प्रभु यीशु जी ने इन्हें चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, पास्टर जी को जय मसीह की, सारे कलीसिया को भी जय मसीह की। मेरी छाती में बहुत दर्द था, एक महीने से बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। आज जब पास्टर जी ने प्रार्थना की, उसने कहा भी छाती पर हाथ रख ले, मैंने छाती पर हाथ रख लिया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मेरा दर्द खत्म हो गया परमेश्वर को। बहन के एक महीने से हाँ बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा दर्द होता था छाती पे। हाँ, अभी जैसे ही प्रार्थना हो रही थी, इन्होंने हाथ रखा छाती पर, प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। जैसे सुई सी गड़ती थी, जैसे सुई गड़ती है ना, ऐसी गड़ती। अच्छा, ऐसी दर्द होती थी, मतलब जैसे सुइयां बजती हैं, जैसे सुइयां लगती हैं, ऐसी दर्द होती थी। और अभी अभी प्रभु ने चंगा किया। हाँ, परमेश्वर ने मैंने बहुत चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरे बचपन में ना ईंट गिर गई थी सिर में, तो मेरे इतनी बड़ी ऐसे हड्डी यहाँ बढ़ गई थी, और जैसे भी कोई ऐसे भारी चीज़ ऐसे लगती है, मेरे को चक्कर आने लगते थे। तो अभी पास्टर जी ने कहा, तो मैंने सर पर ऐसे हाथ रखा और वो मेरी हड्डी ठीक हो गई है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अभी अभी चंगाई मिली है मुझे। जो हड्डी थी वो आपको हाथ रखने से पता चलता था? हाँ, पता चलता था कि वो बार सी है थोड़ी। हाँ, बार है इस साइड। और अभी जैसे आपने हाथ रखा, प्रार्थना हम लोग कर रहे थे, और अब आपको पता चल रहा वो सही है, अपनी जगह पर है, सही है बिल्कुल। देखिए, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। कितने सालों से 10 साल की होगी पास्टर जी, जब 10 साल की सिर में ईंट लगी थी। हाँ, ईंट गिरी थी मेरे सिर पे, ईंट गिर गई थी और वो हड्डी से बाहर से निकली हुई थी। अब ठीक, पता चलता था। अब हाथ रखा है, प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया, वो हड्डी अपनी जगह पर है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। और एक गवाही और मेरी, मेरे को ना, मैं बाइबल पढ़ती थी, मेरे को दिख नहीं था, मैं क्यों पता नहीं, मेरे चश्मा लगेगी क्या, मैं ऐसे, मैं को प्रभु मैं बाइबल पढ़ना चाहती हूँ मगर मुझे दिखता नहीं है। जैसे मैं बाइबल आगे करूँ तो भी मुझे नहीं दिखता, पीछे करूँ तो भी नहीं दिखता। और अब जैसे प्रार्थना की, मैंने आँखों पर हाथ रखा और प्रभु ने मुझे अभी चंगाई दी, आँखों से भी मुझे अब साफ साफ दिखने लगे। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इनकी आँखों को चंगा करने के लिए। धन्यवाद। ये बाइबल नहीं पढ़ पा रहे थे, बाइबल को पास करते तो भी नहीं दिखाई देता, दूर करते तो भी नहीं दिखाई देता था, लेकिन आज जैसे ही प्रार्थना हुई, परमेश्वर जी ने इनकी आंखों को चंगा कर दिया। एकदम रोशनी सी आंखों में आ गई, ऐसे लगता है। अच्छा, एकदम रोशनी आ गई जैसे, हाँ, ऐसा लग रहा है। हाँ। तो परमेश्वर जी ने आज इनकी आंखों को चंगा किया, इसलिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। पास्टर जी, एक पिछले संडे की मैं गवाही देना चाहती हूँ। पिछले संडे है ना, आपके पीछे ना प्रभु यीशु मसीह थे, मैंने आंखें खुली आंखों से ऐसे देखा, मैंने कहा मेरा कोई बहम होगा, तो आपने तो लाल मेरून चोला पे रखा था, और पीछे ना लंबे बाल और सफ़ेद कपड़ों में मुझे प्रभु जी ने दिखा, प्रभु जी आपके सर पे हाथ रख रहे हैं। फिर दूसरे दिन मैंने ऐसे याद करके परमेश्वर को सोई, तो सोमवार को ना प्रभु जी ने ना इतना लहू डोला पास्टर जी पर, पास्टर जी पवित्र आत्मा से इतने भर रहे अभिषेक से, मैंने कहा पास्टर जी आपके ऊपर इतना लहू डुल रहा है, आप साइड हो जाओ, आप साइड जाओ, तो पास्टर जी साइड नहीं हुए, उस लहू से नहा रहे हैं और इतने मतलब पवित्र आत्मा भर के प्रार्थना करें। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे संग रहते हैं, और प्रभु यीशु मसीह हमेशा स्टेज पर रहते हैं, ऐसा कहूँ, हमारे संग रहते हैं। अद्भुत चमत्कार करने वाले वही हैं, वो यहाँ मौजूद हैं, इसलिए उन्होंने चमत्कार किए हैं।
हालेलुया 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 हालेलुया। सभी को जय मसीह की। और मेरी गवाही है कि मुझे कल से ना बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, तो मैं आज चर्च में आई तो परमेश्वर ने मुझे इसी प्रार्थना चंगाई के दौरान मुझे दर्द से छुटकारा दिया, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मैं अब बिल्कुल सही हूँ, प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो। सो अभी अभी प्रार्थना से प्रभु यीशु मसीह जी ने इन्हें पेट के दर्द से चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। क्या 3 महीने से टाइफाइड में हो रही है, सुबह की जब लेकर आई हूँ तो यहीं सो रही है, जब कभी सो रही है कभी उठती है और जी घबरा रहा है उसका, तो मैंने गोली दी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो आपने प्रार्थना की तो वो सही हो गई। Okay. तो गुड़िया को टाइफाइड था और अभी प्रभु यीशु जी ने उसे चंगा किया है, उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इस बहन को भी जो तकलीफ थी अभी अभी प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु जी ने भी चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पास्टर जी ने जय मसीह दी। मेरे ना यहाँ पे दर्द था 1 साल से ही था, डॉक्टर ने बोला था भी अल्ट्रासाउंड कराओ इसका भी हार्ट का हो सकता है, मैंने कराया ही नहीं, दो इतने दिन हो गए, मैं नहीं कराती नहीं, परमेश्वर के जाती हूँ मैं, तो आज प्रार्थना की है पास्टर जी ने, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परमेश्वर का धन्यवाद। बहन के छाती पे दर्द होता था और डॉक्टर ने कहा कि ये दिल का हो सकता है, आप चेक कराओ, लेकिन इन्होंने चेक नहीं कराया, आज जैसे ही प्रार्थना में आए प्रभु यीशु मसीह ने इन्हें चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। अब दर्द नहीं है। एक गवाही हो रहा, मेरी आंखों से थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखता था, अभी बिल्कुल साफ दिखता है। ओके आज जब प्रार्थना हुई, हाँ जी आज प्रार्थना, आज की प्रार्थना से पहले आपका आंखों धुंधला दिखता था, हाँ जी हाँ जी, और अभी आपको साफ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल साफ। यीशु मसीह का धन्यवाद करें। धन्यवाद। देखिए आपके आपके आनंदित होना, आपको आपके तालियां बजाना रुक सकती हैं लेकिन गवाहियां नहीं रुक रही। हालेलुया, इतने बड़े काम करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह जी जहां मौजूद हैं, अगर आप ताली बजाकर धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह का, हालेलुया बोलकर धन्यवाद करते हैं, प्रभु यीशु मसीह यहां है। हालेलुया हालेलुया। मेरे हाथ में बहुत दर्द था, कमर में दर्द था, अब मेरे प्रभु ने ठीक किया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। उनके हाथ और पैर में दर्द था, कमर में दर्द था, प्रभु यीशु जी ने अभी अभी इन्हें चंगा किया जैसे प्रार्थना हुई, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया सारान जेम्स की। मेरे छाती में बहुत दर्द सा और डॉक्टर ने के भी इसको हटे को जता, जद की मैं प्रार्थना शुरू करती है जद को मैं एकदम ठीक हूँ, मेरे छाती में दर्द भी ठीक है सारान जेम्स की। ओके तो इनके छाती पे दर्द था और प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हुआ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे पेट में पित्त की पत्थरी बताई हुई, इसका दर्द होता था कभी कभी, अब भी अचानक से दर्द होने लग गया, तो ना मेरे से कुर्सी पे बैठा जा रहा ना उठा जा रहा था, मैं बेटा मैं घर पे जा रही हूँ, लड़की के तीन में तू बैठी रहे थोड़ी देर, तो मैं तो आंख बंद करके बैठी हुई थी, मैं क्या पत्थरी की भविष्यवाणी हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो मैं सोच रही थी मन के इतने में तो बोला सारा दर्द बाहर निकल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और मेरा सारा दर्द बाहर निकल गया प्रभु यीशु मसीह के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे इस क्रूस के ऊपर दर्शन दिए, उन्होंने आग सी हुई थी उनके सिर के ऊपर, मैंने सोचा ये पोस्टर तो वहाँ पे है, फिर मैंने देखा आँख बंद करके तो ये पोस्टर यहाँ पे भी है, मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ मेरा दर्शन देने के लिए और मेरा दर्द गायब करने के लिए धन्यवाद। जिस बहन के पथरी का दर्द था और प्रभु यीशु जी ने इन्हें चंगा किया और प्रभु यीशु मसीह जी ने दर्शन भी दिए, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। मेरे देह में बहुत बीमारी था, आई हाथ मेरे को 15 रोज से मेरे को मुट्ठी नहीं बना रही थी, अभी अब मुट्ठी बना रही है, सारे बीमारी मेरे को दूर हो गया, यीशु जी का धन्यवाद करती हूँ, पास्टर जी का धन्यवाद करती हूँ। क्या हुआ था? मेरे देह में बहुत बीमारी थी, मैं 2 लाख रुपया लगा चुकी हूँ, पैसा मेरे कने है नहीं। 2 लाख रुपया लगा चुके आप? लगा चुकी हूँ, बहुत बीमारी था मेरे दूर में, सारे यीशु जी ने मेरे को सारे। राजकुमार बोल क्या? इनके पूरे शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी थी और इतनी वीकनेस हो गई थी कि ये मुट्ठी बंद नहीं कर पाते थे। अच्छा, मुट्ठी बंद नहीं कर पाते थे, वीकनेस हो गई थी। तो आज प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा दिया है, आज चंगाई दी है। आज अभी अभी प्रभु ने आपको चंगा किया है? हाँ जी, अभी अभी प्रभु यीशु जी ने चंगा किया, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। अब आप बल महसूस करते हैं। ओके, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया जय मसीह की। मेरी बेटी ने लेके आई, मैं बहुत जगह अंडी
डॉक्टर कंडी शाणा कंडी पर मेरो कितने आराम ना आयो और मेरो उरा के यीशु मसीह का मेरी बेटी रोटी भी खाने लग गई और चंगी भी हो गई। यीशु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, दया कर। क्या हुआ था राजकुमार, क्या हुआ था बोलो। इनकी बेटी को प्रॉब्लम थी, बीमार थे। कौन सी बेटी को? इसको एक साल हो गया पूरी बीमार है, मेरे को पता नहीं लगा कदे डॉक्टर का कदे पीड़ियों कदे के में। फिर मैं किसे मेरी सुमन बेटी को बताया, मम्मी तू उठ लेके आ चर्च के अंदर, ये तेरी बेटी ठीक हो जाएगी। फिर इधर लेके आई, ये रोटी भी खाने लग गई, चलने भी लग गई, काम करने लगी। अच्छा, और अब ठीक हो गई। सवेरे भी ये मुश्किल से ले आई, अब आके ये बैठने लगी हुई। अच्छा, ये वही लड़की जो मरीसी आई? हाँ, ये। ओके, सो ये लड़की जब आई थी तो ऐसे थी जैसे मरीसी हो, और इसको लेकर आई थी यहाँ चर्च में, और पर विश्व मसीह जी ने इसे चंगा किया, और पर विश्व मसीह ये रोटी भी खाने लगी अब, है ना, रोटी भी नहीं खाती थी। सो पर विश्व मसीह जी ने चंगा किया, पर विश्व मसीह का धन्यवाद। मेरा भी एक साल हो गया हाथ में दर्द, तो आज प्रार्थना करी ने मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, एक साल से हाथ में दर्द था? हाँ, ये। ओके। और कान तभी ना सुना, तो कान भी ठीक ही मेरा। अच्छा, कानों से कम सुनाई देता था? हाँ, बंद हो गया था जमाई नु, हाथ फिर तो दिखी तो। अच्छा, आज मैं ठीक होगी। पर आपके कान ठीक हो गए? हाँ, कान भी ठीक हो गए, हाथ भी ठीक हो गया। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं, अभी अभी प्रार्थना से, तुरंत चंगाई वाली प्रार्थना से हाथ भी ठीक हो गए, कान भी ठीक हो गया। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। सारा जैम सीधी, मेरी बच्ची नू 1.5 साल से शुगर थी, और इस बच्ची नू इंसुलिन लगदे सी। 3 हफ्ते आए तो इस दे इंसुलिन छड़े गए, ठीक हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई प्रदान। तो आप चर्च में आ रहे हो? हाँ जी, 3 संडे से। 3 संडे से चर्च में आ रहे हैं। आप इस गवाही को सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस छोटी बच्चे की। हाँ, आप बात को सुनिएगा। हाँ, इसके ना 4 टाइम इंजेक्शन लगते, 1.5 साल की थी, 4 टाइम इंजेक्शन लगते थे। उसके बाद इसके पूरे यहाँ पे निशान पड़ते थे टीके से। हाँ। जब से हम 3 संडे चर्च से आ रहे हैं, उसके बाद इसकी शुगर, इसका सुबह इंजेक्शन लगता ना, दोपहर को ना, शाम को लगता। अब इंजेक्शन नहीं लगते, पहले 4 टाइम इंजेक्शन लगते थे जी, शुगर के कारण जी। ये छोटे से बच्चे को शुगर? हाँ जी, 1.5 साल की तब हुई थी। 1.5 साल की थी तब से। तो अब कितने टाइम हो गया इसको? 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते चर्च में आते हुए जी। तो अब इंजेक्शन नहीं लगते? नहीं जी। किसने चंगा किया? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह जी ने चंगा किया। तो आप 3 हफ्तों से चर्च में आ रहे हैं, देखिए ये 3 हफ्तों से चर्च में आ रहे हैं, छोटी सी बच्ची को ठीक है इंजेक्शन लगते थे, छोटी सी 4 टाइम इंजेक्शन लगते थे रोजाना जी, रोजाना लगते थे ठीक है। और देखो बेचारी छोटी बच्ची, किसने चंगा किया? पर विश्व मसीह ने चंगा किया। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं, अद्भुत। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं, दिल की गहराइयों से आप धन्यवाद करेंगे, जो लोग उनके घरों में बीमारी नहीं रहेगी, जो दिल की गहराई से धन्यवाद करके उनके घरों से बीमारी निकल जाएगी बाहर। थैंक यू जीसस, अद्भुत। पाटर जी को जय मसीह की, सारी ग्लेशियर को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मेरे बेटे ने परसों मरा हुआ सांप उठा लिया था, उसकी वजह से इसके हाथ को बछेला जहर चढ़ गया। कोई कहते हैं कि इसका हाथ काटना पड़ेगा, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये 2 दिन से सोया नहीं था और रोता था, और आज जब परस्टर ने प्रार्थना की तो ये चंगा भला हो गया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसे सांप उठा लिया? हाँ जी। मरा हुआ? हाँ। कि जिंदा? नहीं, मरा हुआ। मरा हुआ सांप उठा लिया? हाँ। तो क्या कहते हैं, इसके हाथ पे जहर लगे? हाँ, इसके हाथ में जहर चढ़ गया। जहर चढ़ गया? हाँ। तो उससे क्या हुआ? उससे इसके ये हाथ में पूरे से छाले होने लगे। छाले होने लगे? हाँ। अच्छा, तो आपने प्रार्थना की कि इसका दर्द हट जाए, तो इसका दर्द हट गया। मेरे परमेश्वर पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। आशीष करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया, जय मसीह दी। हम प्रभु में 10 साल थे, लेकिन मुझे कभी पवित्र आत्मा नहीं है। जब मैं पहली बार इस चर्च में आई तो मुझे पवित्र आत्मा मिला। मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो ये 10 साल में से प्रभु में हैं, लेकिन पहली बार जब चर्च में आए तो पहली बार इन्होंने पवित्र आत्मा पाया। पर विश्व का धन्यवाद करते हैं, अद्भुत। पर विश्व मसीह का धन्यवाद, चमत्कार करने वाले पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं। हो गया है। हालेलुया, मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे को अन्य भाषा का वरदान दिया और पवित्र आत्मा से भरा। मैं प्रभु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आज पहले दिन इस बेटी को पवित्र आत्मा मिला और इसे अन्य भाषा का वरदान मिला,
पहले से बेटी में दुष्टात्मा थी, बहुत लंबे समय से दुष्टात्मा थी, बहुत भयंकर तरीके से इसे जकड़ती थी दुष्टात्माएं, पर यीशु मसीह जी ने इसे चंगाई दी, आराम दिया और आज पवित्र आत्मा से इसे भरा, पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। हालेलुया। मेरे गांठ थी यहाँ पे और अब ठीक हूँ मैं, और मेरे पत्थरी भी है वो भी थोड़ा ठीक है। सो जो गांठ थी वो ठीक है, पहले हाथ लगा कर देखा आपने? हाँ, यहाँ पे थी, यहाँ पर दर्द नहीं है, दर्द था पहले, गांठ का दर्द था, वो गांठ का दर्द नहीं है अब। हाँ जी। सो एक आँख से कम दिखता था थोड़ा सा, वो भी अब ठीक है। तो एक आँख से कम दिखाई देता था, अभी जब प्रार्थना हुई तो वो ठीक है, और जो गांठ का दर्द था एक साइड पे वक्खी पे, वो गांठ का दर्द भी ठीक है, ठीक है, इसका मतलब गांठ गायब हो गई है, पर यीशु जी ने चंगा किया है, पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। मेरी आज दी गवाही ये है कि मेरे सिर दे विच इस जगह ते गंढ सी बहुत वड्डी 26 सालां तो, ते जदों पास्टर जी ने कहा भी सिर ते हाथ रखो ते गंढा जा रही है, तो मैं रखिया, तो हुण मेरे बिल्कुल साफ हो गया है। मैं परमेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ। तो जे जिदन दे पास्टर जी की मैं आराधना कराई है अपने घर, यानी कि मेरे घर पास्टर जी, जे मैं गवाहियां दसन लगी तो सारियां दी वारी नहीं आनी, उदन दी रोज़ एक तो एक गवाही बन रही है। हाँ जी। तो यीशु मसीह का मैं तो इन्हों पर छड़ दिता सारा कुछ, यीशु मसीह तो जानने इन्हों का काम जान। हालेलुया। 26 सालों से, 26 वर्षों से सिर में गांठ थी, तो आपको हाथ लगाने से पता चलता था? हाँ जी, इतनी बड़ी सीगी। अच्छा, इतनी बड़ी, थोड़ा कैमरे में चेक करो इसको, रमन दिखाओ उसको। हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट। छब्बीस सालों से गांठ थी सिर पे, और इतनी सारी गांठ थी वो हाथ लगाने से पता चलती थी? हाँ जी, पहला इस जगह ते सीगी ता मैनू एवे लगता सी कि मेरा वीपी घटदा हैगा महीने बाद, ते मेरे ये जगह उठ जांदी सी उपर नू, ता फिर धीरे 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 मैं देखती गई भी ये हुण पिछे नू किवें जा रही है, क्योंकि मैं कंघा बांधदी सी ते बैक नू आउंदी सी कि मैनू फील हुंदी सी। अज मैं क्या अज तू तेरी खैर नहीं, यीशु मसीह जी तेनू तो पजाऊगे, जो तुसी प्रार्थना की। अच्छा, अभी अभी जब मैं प्रार्थना कर रहा था, हाँ, आपने अपने सिर पे हाथ रखा? हाँ जी। और जब सिर से हाथ हटाया तो वो गांठ नहीं थी? ऐसे लगा जिवें इत्थों कुछ मतलब कि धुआं टाइप जा निकल रहा हैगा आ, हुण नहीं है, कोई भी चेक कर सकदा जे करना चाहे तो। अच्छा, वो गांठ नहीं है, पहले वो जो गांठ थी 26 सालों से, जो सुनिए 26 सालों से जो गांठ थी, अभी अभी प्रार्थना से वो 26 सालों की सिर से जो गांठ थी वो गांठ गायब होगी, पर यीशु का धन्यवाद करते हैं, पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, पर यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरे यहाँ पे गांठ थी, जब विश्व जी ने कहा यहाँ पे हाथ रखो और प्रार्थना की तो तुरंत गांठ गायब हो गई, अभी नहीं है, पहले महसूस होती थी यहाँ पे। ओके। इनकी छाती पे गांठ थी, यहाँ पे भाई के छाती पे गांठ थी, हाथ लगाने से उसे पता चलता था, अभी अभी जैसे प्रार्थना हुई अभी अभी पर विश्व जी ने उस गांठ को गायब कर दिया, पर विश्व मसीह का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पर विश्व मसीह। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। मेरी दूर की नजर हल्की सी धुंधली दिखती थी, प्रार्थना के बाद अब मेरे को क्लियर दिखने लग गया। ओके। सो दूर की निगाह जो थी इनके धुंधला दिखाई देता था, दूर से धुंधला दिखाई देता था हल्का सा, और अभी जैसे प्रार्थना हुई अभी साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। पर भी यीशु मसीह का धन्यवाद करें, अभी आंखों से साफ दिखाई देता है, यीशु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। मेरे ठे कान में कम सुनी तो थोड़ो तो ते प्रार्थना करी बाद में चौको सुन लागी। ओके, चौको सुनी जाना, तो इस कान से कम सुनाई देता था, अभी अभी जैसे प्रार्थना हुई है और साफ सुनाई दे रहा है, चौको सुनाई दे रहा है, तो अच्छे से सुनाई दे रहा है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। सो सब लोग धन्यवाद करें, प्रभु यीशु जी, आप बोलिए प्रभु यीशु जी चंगाई देने के लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु जी चमत्कार करने के लिए धन्यवाद। देखिए कैसे अद्भुत काम प्रभु यीशु जी ने किए, आंखों से चंगाई,
कैसे 26 सालों से गांठ को गायब कर दिया, कैसे प्रभु यीशु जी ने आज लोगों के जीवन अद्भुत काम किए। हालेलुया, हालेलुया। ये उनके जीवन में चमत्कार हुए हैं जिन्होंने ये कहा आज मैं चंगा हो जाऊंगा, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, आज मैं चंगी हो जाऊंगी, आज ऐ बीमारी तेरी खैर नहीं है, आज मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द था काफी टाइम से, आज मैं प्रार्थना को रिसीव किया अभी और इसी टाइम ठीक हो गया। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। पांव में दर्द था, अभी अभी चंगा किया प्रभु यीशु जी ने। और एक मेरे बेटे की गवाही, उसके कान में काफी टाइम से बहुत ज्यादा रेस सवेरा था और डॉक्टर ने बोला इसके कान में छेद है, इसका ऑपरेशन होएगा। तो मैंने प्रॉफिट संबंधी पास्टर जी से प्रार्थना कराई, उसी टाइम मेरे बेटे का कान ठीक हो गया, अब कोई रेसा नहीं आ रहा। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कान का ऑपरेशन होना था लेकिन सुमन से, मेरे बेटे से जब इन्होंने प्रार्थना कराई, कान बिल्कुल ठीक हो गया, रेशा बंद हो गया। परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।